नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल tutorial.com पर स्वागत है। आज हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। हम ग्राफ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि डाटा को रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली, और हम इसको बहुत इजीली, क्विकली और इन अ वेरी सिंपल वे हम पढ़ सकते हैं। जो टेबुलर फॉर्म में हमारे पास इतना सारा डाटा होता है, उसको बहुत ही जल्दी पढ़ा जा सकता है। ग्राफ जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। इस टाइम हम चार ग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहला है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ जो होता है, इट इज यूज्ड टू शो द कंपैरिजन अमंग द कैटेगरीज, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कंपेयर करना। जैसे कि इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो सिंगल लाइन यूज करके वर्टिकल लाइन, या डबल वर्टिकल लाइन यूज करके, या उससे भी ज्यादा। इट टोटली डिपेंड्स आपके पास कितनी कैटेगरीज हैं कंपेयर करने के लिए। जैसे यहाँ पे पहले मेरे पास टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तीनों टर्म में जो मेरे मैथ्स के मार्क्स आए वो हमें बता रखे हैं। तो हम ये ग्राफ पढ़ते कैसे हैं? फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ पे हम ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरी दो लाइंस होती हैं, ये एक्स एक्सिस होती है, ये मेरी वाई एक्सिस होती है, ये मेरी ओरिजिनल पॉइंट होता है। और यहाँ पे हम लिखते हैं जो हमारा एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ हम लिखते हैं जो हमारा वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम यहाँ पे एरोज बनाते हैं जो बताता है कि हमारी वैल्यूज इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो हमारा ग्राफ है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म में हम देखेंगे ये फर्स्ट टर्म तक ऊपर गया, और जहाँ ये खत्म हो रहा है वहां पे हम देखते हैं कि पॉइंट क्या है। अब पॉइंट कैसे पढ़ेंगे? ये पॉइंट यहाँ तक है। यहाँ पे पॉइंट बनने के बाद हम देखते हैं कि हर ब्लॉक की वैल्यू क्या है। ब्लॉक की वैल्यू ऐसे निकलती है कि ये हमारा जीरो है, हमें पता ही है, ओरिजिन पॉइंट है। इस पूरे की वैल्यू है 10, 0 से 10। यहाँ कितने ब्लॉक सारे इंक्लूड हो रहे हैं? 2। सो व्हाट विल डू इज विल डिवाइड दिस 10 बाय 2, सो विल गेट 5। सिमिलरली यहाँ पे जैसे किसी भी ब्लॉक के लिए निकालेंगे, इंटरवल सेम ही रखे जाते हैं, क्योंकि 20 माइनस 10 इज 10 डिवाइडेड बाय 2, विच इज 5। तो हर एक ब्लॉक 5 का है, तो ये ब्लॉक भी 5 का हुआ, उससे मेरी ये वैल्यू आई 25। नाउ सेकंड टर्म के लिए ये लाइन फिर सीधी 30, थर्ड टर्म के लिए ये लाइन फिर ये सीधी यहाँ पे आई, और ये हमारा हर ब्लॉक 5 का है, तो ये वैल्यू हुई 45। अब हम दूसरा ग्राफ चेक करते हैं। तो इस ग्राफ में हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं एक्स एक्सिस पे फ्रूट्स की, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पपाया, बनाना। वाई एक्सिस पे हमारी सेल की, हमारी कितनी सेल हुई इन सब फ्रूट्स की। और सबसे ऊपर हमने ये डिफरेंट कलर से बता रखा है डेज। सो लेफ्ट साइड पे हमारा मंडे है, राइट साइड पे ट्यूजडे है। लेफ्ट साइड क्योंकि डार्क है, इसलिए मुझे ऊपर से पता लग गया कि लेफ्ट पे क्या है, वाई पे क्या है, वाई पर क्या है। एंड देन व्हाट वी डू इज हम ये देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ से, कि मेरी ज्यादा सेल किस दिन हुई। तो ये वाला ग्राफ इससे नीचे है, तो इसका मतलब मेरी ट्यूजडे को मैंगो की सेल ज्यादा हुई। कितनी ज्यादा हुई? तो ये वाली जो वैल्यू है, इसको मैं सीधा यहाँ से लेके जाऊंगी, तो ये है 20, और ये वाली लाइन, और नीचे वाला हमारी आती है यहाँ की लाइन। या तो आप सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम ब्लॉक की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हुई 5 माइनस 0, विच इज 5 डिवाइडेड बाय 2, विल गिव अस 2.5। तो यहाँ क्योंकि दो ब्लॉक्स हैं, तो वैल्यू हुई 5। सो हमारी सेल 5 kg ज्यादा हुई। या फिर हम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हुई 17.5। कैसे हुई? 15 प्लस हर ब्लॉक 2.5 का, सो विल गेट 17.5, एंड दिस इज 22.5, एंड विल सब्ट्रैक्ट दीस। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आएगा 5 kg। इस तरह से अगला ग्राफ है पाई ग्राफ। पाई ग्राफ जो होता है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द पार्ट्स ऑफ अ होल। होल जो होता है, होल रिप्रेजेंट्स अ फुल 100, दैट मींस 100% और अ फुल सर्कल। इस सर्कल को हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में यूजिंग द एंगल सिस्टम, विच यू मस्ट हैव लर्नड अर्लियर आल्सो। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा एंटरटेनमेंट है, वो इस 100 का 50% है, स्पोर्ट्स इसका 25 है, न्यूज हमारा 15 है, और इंफॉर्मेटिव हमारा 10 है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं बोलती हूँ कि आपके पास 3600 वैल्यू है, और उसका एंटरटेनमेंट जो है वो 50% है, तो 50% आप इसका करेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1800। तो 3600 में से 1800 हमारा एंटरटेनमेंट है, 900 हमारा स्पोर्ट्स है, डिवाइड करने पे पता लगेगा, 360 हमारा इंफॉर्मेटिव है, और इसी तरह हम न्यूज भी इसका 15% करके निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला है ग्राफ। तो ग्राफ में क्या है कि हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है, जैसे बार ग्राफ में हमारे जो ब्लॉक्स थे वो बिल्कुल थोड़ी डिस्टेंस पे थे, हिस्टोग्राम में जो बार ग्राफ होता है वो बिल्कुल जॉइंट होता है, और ये डाटा एक इंटरवल में दिखाता है। जैसे यहाँ वेट जो है आपको इंटरवल में दिख रहा है 40 to 45, 45, मतलब 40 to 45 kg जो है वो चार लोगों का वेट है। इसके बीच में हो सकता है 40 हो, 42 हो, 43 हो। इसकी ये होती है लोअर लिमिट, और ये होती है अपर लिमिट।
सिंस ये वाला मेरा 45 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ 45 काउंट नहीं है, इस तरह से हमें टेबल से पता लग रहा है। अब यहाँ मैं क्या करूंगी, 40 से 45 यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बनाया और वाई पे बनाया। अब आपको यहाँ नीचे एक जिगजैग लाइन दिख रही होगी, जिगजैग लाइन क्यों बनाई, तो जैसे मेरा ये एक्स ग्राफ है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो क्योंकि ये वैल्यू 40 पे स्टार्ट हो रही है और 40 से पहले की मेरे पास कोई भी वैल्यूज नहीं है, सो मैं क्या करूंगी, यहाँ मैं 40 लिखूंगी और 40 से पहले टू रिप्रेजेंट कि मेरे पास कोई डाटा नहीं है, मैं एक जिगजैग लाइन बना दूंगी। इससे ये पता चलेगा कि ये जो मेरे ब्लॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये ब्लॉक्स मेरे ये वाला डाटा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अब लेट्स सी 40 to 45 लाइन ड्रॉ 4, तो क्या ये सही है? हाँ, लेट्स चेक फॉर 55 to 60। सो लाइन ड्रॉ यहाँ पे आप कुछ मत करिए, आप एग्जाम में आएंगे, आप एग्जाम में यहाँ पे एक स्केल रख लीजिएगा और मेरी वैल्यू आएगी 6। सो 55 to 60 वी गेट 6। अगला है हमारे पास लाइन ग्राफ। मोशन चैप्टर के लिए लाइन ग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम ग्राफ, क्योंकि ये चेंज दिखाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। टाइम जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आगे जाके मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगी। और वाई एक्सिस पे हमने दिखाया टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा हर 4 घंटे बाद ऑब्जर्व हुआ है और यहाँ पे 6 बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो हमें एक्स एक्सिस पे जिगजैग लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, हमने हर 2 घंटे का एक ब्लॉक लिया है। और वाई एक्सिस पे सिंस वैल्यू 37 पे है तो हम जिगजैग लाइन बनाएंगे। अब वैल्यूज चूज करते टाइम यू नीड टू मेक श्योर दैट ये वैल्यू जो है सबसे लोएस्ट जो है वो कितनी है, 35। तो रादर देन स्टार्टिंग 30 से हम ये 34 से भी स्टार्ट कर सकते थे। अब उसके बाद हमने वैल्यूज को पुट किया, सो वैल्यूज पुट लाइन ग्राफ में ऐसे करते हैं 37 6, सो 6 AM पे 37 वैल्यू है जो कि यहाँ आती है। तो जैसे ही आपको पॉइंट मिलता है आप डॉट बना के एक सर्कल बनाएंगे, सो आई विल पुट अ डॉट हियर एंड देन आई विल सर्कल दिस। Similarly for 10 AM also I have the value as 40, तो 40 ये किया। और जब हमारे पास डॉट सारी आ जाती हैं तो उसके बाद हम इन डॉट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, और जब हम ये करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। आपको इंश्योर करने की स्ट्रेट लाइन आए और इस तरह से लाइन खराब ना हो। नेक्स्ट हम डिसाइड कैसे करते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो बहुत सिंपल चीज है, आप इस ये जो लाइन स्टेटमेंट है इसमें आप पुट कर सकते हैं। आप एक दो बार करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और आपको फिर ये लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो यूजली हम टाइम को हमेशा ही एक्स एक्सिस पे लेते हैं क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन एक बार लेके देखते हैं कि डिस्टेंस अगर हमारा इंडिपेंडेंट होता और टाइम हमारा डिपेंडेंट होता तो वो क्यों नहीं काम करता। तो इंडिपेंडेंट की जगह हम डिस्टेंस बोलेंगे और डिपेंडेंट की जगह टाइम। तो ये लाइन सुनिएगा, इंडिपेंडेंट तो डिस्टेंस कॉजेज अ चेंज इन टाइम एंड इट इज नॉट पॉसिबल दैट टाइम कुड कॉज अ चेंज इन डिस्टेंस, इज इट ट्रू? नहीं, हमारे कोई भी चीज टाइम पर इफेक्ट नहीं कर सकता, पर समय हर चीज बदल सकता है। इसीलिए अब हम टाइम को इंडिपेंडेंट लेके पढ़ेंगे एक बार। Time causes a change in distance and it is not possible that distance could cause a change in time, जो कि एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा टाइम जो है वो हमेशा x एक्सिस पे आता है। अब एक लाइन ग्राफ बनता कैसे है, आपको एक टेबल दे दी जाती है, उसके बाद आप पहले x एक्सिस बनाएंगे, y एक्सिस बनाएंगे, ओरिजिन पॉइंट O से लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या ये इंटरवल सही है, दे रखा है तो यहाँ हर एक के बीच में 1 आवर का गैप है। यूजली अगर नहीं होता है तो जब हम ग्राफ की वैल्यू फिर हम खुद प्लॉट करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये होता 1 3 4 5, तो हम 1 2 3 4 5 ही लेते और 2 पे कोई वैल्यू नहीं आते। अब डिस्टेंस कवर लेंगे, डिस्टेंस में है हमारा 30 30 और 30, तो डिस्टेंस भी सही है। हमने यहाँ पर फिर इंटरवल बनाया, टाइम यहाँ पे हम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो लिखा, और उसके बाद हम स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग बेसिकली होता है कि ये पूरा बॉक्स जो है आपका वो एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो हमारी एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है आवर, कितना आवर, 2 से 3 मतलब 1 आवर। वाई एक्सिस जो है वो मेरा 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 एंड द यूनिट इज किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप बेसिकली होता है इंटरवल ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई इंटरवल ऑफ एक्स एक्सिस। निकालते कैसे हैं, मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी ए से नीचे की तरह इस तरह, और सी से भी एक परपेंडिकुलर बनाऊंगी, ये इंटरसेक्ट करके मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल देगा।
फिर उसके बाद जो मेरी स्लोप होती है वो होती है वाई एक्सिस का इंटरवल डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस का इंटरवल. तो वाई एक्सिस हुआ मेरा ए बी और एक्स हुआ बी सी. वाई की वैल्यू हुई मैं यहाँ से देखूंगी 30 और यूनिट हुई किलोमीटर. सिमिलरली इसकी हुई 1 आवर, सो इट वुड बी 30 किलोमीटर पर आवर. इससे आप देखिए ये भी देख सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कैसे हुई. आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, ग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको एंड तक काम आएगी. फिर उसके बाद लेट्स सी कि सही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरी स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब है कि एक यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये आपने यूनिफॉर्म मोशन में भी पढ़ा था. अगर आपको नहीं पता है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में तो आप मेरी और वीडियोस भी चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट से. तो हम क्या करेंगे, लेट्स चेक कि हमने ठीक निकाला या नहीं निकाला. हमने यहाँ एक ट्राइंगल बनाया, हम इसे एम लिखेंगे एन लिखेंगे और स्लोप हुई इस ट्राइंगल एम एन ए के लिए एम एन डिवाइडेड बाय ए एन. तो एम एन है हमारा 30 किलोमीटर, ए एन है 1 आवर, तो हमारी वैल्यू स्लोप की इसके लिए भी आई 30 किलोमीटर पर आवर. अगर ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता तो स्लोप की वैल्यू डिफरेंट होती हर केस में. Let's do a quick revision. तो हमने ग्राफ के बारे में आज 4 टाइप के ग्राफ पढ़े हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड हिस्टोग्राम. एंड जो लाइन ग्राफ को हमने ज्यादा डिटेल में पढ़ा है. लाइन ग्राफ में एक्स एक्सिस होती है जिसपे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बेसिकली यहाँ टाइम भी लिखते हैं. वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जैसे डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, कुछ भी. और मेरा जो स्लोप होता है वो होता है इंटरवल ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, क्योंकि इसकी यूनिट होती है जो भी वाई की यूनिट है डिवाइडेड बाय द एक्स यूनिट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेरीज. एंड नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ. यूजिंग दिस आइडिया हम उसको बनाएंगे एंड उसको करेंगे. प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक आवर वीडियोज. वी गेट लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड वी गेट लॉट ऑफ एंथुजियाज्म आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से. Thank you so much. Have a great day. Bye-bye.